नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ब्याज निकालना, यानी कि ब्याज निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में हम ब्याज कैसे निकालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 12,000 रुपये लिए हैं 3% पर, यानी कि 12,000 रुपये में हमें 3% का ब्याज देना है, जो कि हमने दिनांक 10/1/2018 को लिया था। अब हमें इसका हिसाब करना है आज की दिनांक से, जो आज की हमारी दिनांक है 12/2/2021 आज की दिनांक है। तो अब हमें यह देखना है कि 12,000 रुपये जो हमने लिए हैं वो 3% के हिसाब से कितना ब्याज बना हुआ है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखते हैं आज का दिनांक हम पहले लेंगे। तो हमने ले रखा है आज का दिनांक 12/2/2021। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिन, फिर माह, फिर वर्ष, यानी कि 12/2/2021 ये आज का दिनांक है। हमने रुपए यानी कि ब्याज पर कब लिए थे या हमने कब दिए थे, तो वो दिनांक डालेंगे जो कि 10/1/2018 को हमने लिए थे या दिए थे। तो अब हम इसमें से निकालते हैं कि हमारा समय कितना हो चुका है पैसों को लिए हुए। तो आप देखेंगे, वैसे तो हम यहाँ से जोड़ना घटाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वर्ष वाले इस ब्याज वाले में हम यहाँ से निकालते हैं। जब हमें वर्ष निकालना होता है, माह निकालना होता है, तो हम यहाँ से घटाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने घटाना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं 12 में से 10 गए तो 2 माह बचे, 2 दिन बचे, 2 माह में से जब 1 माह गया तो 1 माह बचा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, या 21 में से 18 गए तो 3, यानी कि 3 वर्ष अपना बचता है। तो 2 दिन, 1 माह, 3 वर्ष अपने हो चुके हैं पैसों को लिए हुए या अपन ने किसी को दिए हुए। तो अपना जो ब्याज बनता है, अपना ब्याज बनेगा 2 दिन, 1 माह, 3 वर्ष पर। तो इसके लिए अपन ने जो ब्याज दिया हुआ था, आप देख सकते हैं 12,000 पर दिया हुआ था, वो भी 3% का। तो जब हम 12,000 रुपये में 3% का हमने ब्याज दिया है, तो अब हम इसे निकालेंगे कि यह है हमारा हर महीने, यानी कि 1 महीने में 3% के हिसाब से 12,000 रुपये में कितना महीना ब्याज लगेगा या मिलेगा अपन को। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दिया है, जब हम ब्याज निकालते हैं तो 12,000 × जब अपन इस 3% को हटाएंगे, 3% को अपन इसको हटाएंगे, तो यहाँ पर 3 के नीचे 100 का भाग दे देते हैं। अगर जब अपन 100 का भाग दे देते हैं तो अपने यहाँ 3% हट जाता है। जब हमने यहाँ पर 100 का भाग दिया तो इन 100 को 00 को यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से काटने पर अब अपना ये बचता है 120। 120 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो अपना निकल के आता 360 रुपये हर महीने, यानी कि हर महीने 12,000 रुपये में 3% के हिसाब से हर महीने जो ब्याज बनता है वो 360 रुपये हर महीने का है। अब अपन को यहाँ से निकालना है कि बना कितने महीने हैं टोटल ब्याज, मतलब अपना जो लिया है समय हुआ कितना, कितने दिन का हुआ। तो आप देख सकते हैं 3 वर्ष 1 माह 2 दिन, तो 3 वर्ष, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 × 36 और 1 × 37 यानी 37 महीने 2 दिन। तो अब हम पहले निकालेंगे 37 महीने का, तो 37 महीने में, क्योंकि 1 महीने का अपना निकलता है 360 रुपये महीना, तो 37 महीने अपने हो चुके हैं। तो 360 में 37 का अपन ने जब गुणा किया तो अपना आता 13,320 रुपये, 13,320 रुपये टोटल ब्याज निकल के आया अपना 37 महीने का। अब जो 2 दिन बचते हैं, तो 2 दिन का अपन को ब्याज निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 360 रुपये जो दिए हुए हैं, 360 रुपये जो दिए हुए हैं, यानी कि यह 1 महीने का ब्याज है, अपन को निकालना 2 दिन का। तो अपन ने 30 दिन से भाग दे दिए। जब अपन 30 दिन से भाग देते हैं तो 30 दिन से भाग देने पर आप देख सकते हैं 30 दिन से जब अपन ने भाग दिया तो और अपन का निकल के आया 12 रुपये, 1 दिन के 12 रुपये निकल के आए। जब 1 दिन का 12 रुपये ब्याज निकला है तो यानी अपन को निकालने 2 दिन के, तो अपन ने 2 का इसमें गुणा किए तो अपन ही निकल के आते हैं 24 रुपये, 2 दिन का 24 रुपये और बनता है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं 13,320 रुपये 37 महीने का है, तो इसमें अपन 24 रुपये 2 दिन का और जोड़ देते हैं, टोटल अपन का निकल के आता है 13,344 कुल ब्याज निकला। अब अपन को निकालना क्या है, आप देख सकते हैं हमें टोटल निकालना है, यानी अपना मूलधन भी निकालना है। ये तो अपना निकला हुआ, जो ये तो अपना ब्याज निकला हुआ है, अब टोटल अपनी रकम कितनी बनती है, तो आप यहाँ देखेंगे कुल ब्याज अपना है 13,344 रुपये। अब इसमें जो मूलधन था, मूलधन अपना है 12,000 रुपये, इन दोनों को जो अपन जोड़ते हैं तो 25,344 रुपये कुल रकम बनती है अपनी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।